क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पांच कौन सा ऐसा क्लीन एनर्जी रिसोर्स है जो प्रदूषण सबसे कम करता है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, आप वीडियो को अंत तक देखें तभी पूरी बातें समझ में आएगी, और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नंबर पांच पर है बायोगैस। बायोगैस का निर्माण ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स से होता है। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज होते हैं और बायोगैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम एनाइरोबिक कहते हैं। एक और बात बताऊं, यूएसए सिर्फ 70 मिलियन टन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है प्रत्येक साल। यानी एक देश के द्वारा इतने सारे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो ऐसे सोच लो कितने देश हैं और कितने वेस्ट मटेरियल हर एक साल प्रोड्यूस करते हैं, और इनको अगर डिकम्पोज ना किया जाए तो सोचो कि कितना प्रदूषण हर एक देश के द्वारा किया जा रहा है। नंबर चार पर है जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी को पृथ्वी के गर्भ में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। जियो थर्मल एनर्जी के द्वारा 24 देशों ने 2005 में 56,786 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया था, जो पूरे विश्व में 0.3% बिजली का आपूर्ति किया गया था। जियो थर्मल एनर्जी का यूज आइसलैंड, अल सल्वाडोर, न्यूजीलैंड, केन्या और फिलीपींस जैसे देश आज के समय में कर रहे हैं। यह आपको पता है कि जियो थर्मल एनर्जी का यूज सबसे ज़्यादा किस देश में किया जा रहा है? नंबर थ्री पर है वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी एक अत्यंत अप्रदूषणशील एनर्जी सोर्स है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन वाटर के पावर को एनर्जी के फॉर्म में हाइड्रो पावर प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। भारत के साथ साथ पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हाइड्रो पावर प्रोसेस के द्वारा ही करता है। नंबर दो पर है विंड एनर्जी। इसमें बहती हवा के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और यह एनर्जी सोर्स पूरे तरीके से पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स होता है। और नंबर वन पर है सोलर एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में 1-to-1 इंट्रैक्शन होता है, और फोटोन मेटल सरफेस से निकलता है और ये मूव करता है, और जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स होता है और आज के समय के सबसे पॉपुलर एनर्जी रिसोर्सेज में से एक है।